हेलो गाइज, वेलकम टू अनदर पार्ट ऑफ वेब डिजाइनिंग कोर्स। तो गाइज, इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे क्लास के बारे में, जो कि हम लोग ने पहले वीडियो में सीखे थे डिव के बारे में। तो इस वीडियो में हम लोग यूज़ करेंगे क्लास। तो क्लास कैसे हम लोग यूज़ करेंगे, एक्चुअली क्या क्लास है, कहाँ पे यूज़ करेंगे, वो सब चीज़ के बारे में हम लोग सीखेंगे। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और ये आपको बहुत हेल्प भी करने वाला है आपकी वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए, एक अच्छा लुक देने के लिए और आपकी जो कोडिंग को बेटर वे में लेने के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट होती है। ओके, तो क्लास आपको मोस्टली सीखना पड़ेगा। तो ये वीडियो को आप ध्यान से देखो। तो मैं यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर बना ली है और हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिव वगैरह यूज़ किए थे और यहाँ पे मैंने डिव यूज़ की है और हेडिंग और पी टैग यूज़ किए। ओके, यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, ये बेसिक सा स्ट्रक्चर हम लोगों ने ऐड की है बस। और ये सी एस एस फाइल को यहाँ पे लिंक की है और यहाँ पे देखो डिव, ये एक डिव रहा, दो और तीन। ओके, हम लोगों ने तीन पार्ट बना लिए और उसका आउटपुट में मैं आपको दिखा दूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो ये इसका आउटपुट है। ओके, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, एक्चुअली इसके अंदर क्लास ऐड करेंगे और सारी की चीज़ें को हम लोग कस्टमाइज करेंगे। ओके, तो अभी हम लोग क्लास ऐड करेंगे। तो क्लास ऐड करने के लिए हम लोग, मैं बता दूं आपको, ये जो क्लास है वो स्टार्ट होती है डॉट से। ये क्लास स्टार्ट होती है डॉट से। डॉट के बाद आप वो भी चीज़ ऐड करना चाहो, जो भी लेटर लिखो उसका कोई नहीं, बट ये डॉट से क्लास स्टार्ट होती है। ओके, क्लास के बारे में बता दूं आपको पहले, ये क्लास होता है क्या। क्लास ये होता है, आप कुछ मतलब बहुत सारे चीज़ जो कि आपको बार बार यूज़ करना पड़ता है। ओके, वो चीज़ को आप एक ब्रैकेट के अंदर लिख लो और मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ मंडे। ओके, मैं डॉट के बाद कुछ भी लिख रहा हूँ। ओके, मंडे ऐड कर लिया मैंने और मैं ब्रैकेट स्टार्ट किया। ओके, वो ब्रैकेट के अंदर मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर एक मान लो दे देता हूँ, इसे ऐड कर लेता हूँ। ओके, और उसके बाद मैं यहाँ पे अगर यूज करता हूँ कलर क्या करता हूँ, ये टेक्स्ट की कलर रहेगी। ओके, तो टेक्स्ट की कलर में यहाँ पे ये डार्क ब्लू को ऐड कर रहा हूँ। ओके, उसके बाद पैडिंग यूज करूँगा मैं, पैडिंग इज इक्वल टू 10 पिक्सल और उसके बाद भी मार्जिन। ओके, मार्जिन हम लोग वही 10 यूज करते हैं। ओके, नहीं तो हम लोग 15 यूज करेंगे। ओके, ये हम लोगों ने ऐड करा, सेव करा मैंने और यहाँ पे आप लोग देखो, यहाँ पे मैंने लिखा मंडे। ओके, तो यहाँ पे मैं HTML के अंदर आया और डीप के अंदर मैं वो चीज़ को ऐड करूँगा, क्लास ऐड करूँगा। ओके, क्लास ऐड करूँगा मैं और क्लास के अंदर मैं लिखूँगा। ओके, ये तरीके से सेव करा मैंने और उसका पहले आउटपुट देख लो क्या आता है। ये देखो इसका आउटपुट है, ये डिव के अंदर हम लोगों ने वो CSS फाइल को ऐड किया। ओके, वो क्लास को ऐड किया, इसीलिए हम लोगों को आउटपुट इस तरह से दिखाई दे रहा है। ओके, तो आप लोग को पता चल गया होगा क्लास क्या है, और दो तीन क्लास ऐड करेंगे जो कि है टूडे। मगर आप लोग को ध्यान देना पड़ेगा, डॉट के बाद आप कुछ भी लिख सकते हो, डॉट शुरू होगा, क्लास डॉट से शुरू होती है। ओके, हम लोगों ने ब्रैकेट ऐड की है और सेम चीज़ है। ओके, हम लोगों ने यहाँ पे भी ऐड करेंगे बैकग्राउंड कलर हम लोग अभी रखते हैं, इसे रखते हैं और टेक्स्ट कलर हम लोग रखेंगे, हम लोग ब्लैक ऐड करेंगे। ओके, और उसके बाद मार्जिन और पैडिंग भी हम लोग ऐड करेंगे। पैडिंग हम लोगों ने ऐड करेंगे अभी कितना, 15 पिक्सल। ओके, और मार्जिन हम लोग ऐड करेंगे कितना, मान लो वही 15 पिक्सल ऐड करते हैं। ओके,
ये हो गया, इससे हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे, मतलब ये रह गया एक डिव के अंदर हम लोगों ने ऐड किया क्लास मंडे को ऐड किया, और एक डिव में हम लोग यूज करेंगे क्या क्लास और टुडे। ओके तो यहाँ पे आप लोग उसका आउटपुट देखो, ये रह गया हमारे पास दो आउटपुट। आप इजीली ये सारी की सारी चीज़ें कर सकते हो। ओके और एक यहाँ पे रह गया, हम लोग उसे भी ऐड कर लेते हैं। उसके लिए हम लोग, मैं ये कॉपी कर लेता हूँ। ओके उसके बाद यहाँ पे डॉट HTML अगर मैं लिखता हूँ, इसका भी आउटपुट देखो आप। मैंने यहाँ पे ब्लैक था, एक कलर को चेंज कर लेते हैं हम। ये कलर हम लोगों ने ऐड करा, और यहाँ पे जो भी सेम रहने देते हैं। अभी उसका आउटपुट देखो, हम लोगों ने पहले उसे ऐड करना है। ओके तो डिव के अंदर हम लोग अभी एंटर करेंगे क्लास, और क्लास के अंदर HTML। ओके ये देखो उसका आउटपुट, यहाँ पे आपको ये तीनों की आउटपुट आपको देखने को मिलती है। जो भी चीज़ें हाँ वहाँ पे हम लोगों ने ऐड किए थे वो इस तरह से आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। अगर यहाँ पे और एक चीज़ ऐड करूँगा, मैंने CSS फाइल के अंदर गया, मैंने और एक चीज़ ऐड करूँगा जो डॉट पावर स्टार्ट करा ब्रैकेट, यहाँ पे मैंने ऐड करा फॉन्ट साइज और कलर को भी मैंने ऐड किया। ओके तो यहाँ पे मैंने पावर को लिखा था, तो मान लो यहाँ पे ये लास्ट के अंदर हम लोग यूज करेंगे, पी टैग के अंदर यूज करेंगे। ओके वही सेम चीज प्लस, और यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे पावर। अब देखो क्या होता है इसका जो आउटपुट है, आप लोग को ये जो लाइन रहा ना, आप लोग को ये थोड़ी सी बड़ी दिख रहा होगा क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ की है क्या, ये देखो फॉन्ट साइज हमने 30 पिक्सल ऐड की है, और उसका कलर भी हम लोगों ने ऐड की है। तो इस तरह आप मल्टीपल वे में यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे मैंने 3 यूज़ की है ना, अगर मैं चाहूँगा तो यहाँ पे टुडे, और मतलब यहाँ पे हम लोगों ने यूज़ की है मंडे, टुडे और HTML, तीनों को यूज़ किए, तीन मतलब क्लास बनाई हुई है। अगर मैं चाहूँगा ये मंडे को यहाँ पे भी मैं ऐड करूँगा तो उसका भी आउटपुट आपको देखने को मिल जाएगा। ओके मैंने सेव करा, और उसका आप आउटपुट देखो, ये जो 3 कलर था हमारे पास, ये अभी 2 कलर में हो गया ना, 2 कलर हो गया क्योंकि हम लोगों ने ऐड किया था मंडे को 2 बार यहाँ पे यूज़ करी है। मल्टी टाइम्स आप लोग इसे यूज़ कर सकते हो, ये क्लास को आप यूज़ कर सकते हो। आप जितनी भी बहुत बड़ी अगर कोडिंग हम लोगों ने आगे जाके लिखेंगे, उसके अंदर हम लोग को अगर बार बार ये एक चीज़ चाहिए तो हम लोग इसे एक क्लास के अंदर रखेंगे और क्लास को आके लाके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, तो वही काम हो जाएगी। ओके इस तरह से आप कर सकते हो वेरी इजीली, है ना। और मैं बता दूँ आपको, ये जो नेक्स्ट क्लास आने वाला है, आपको मैं आप बहुत सारी वेबसाइट मतलब वेबसाइट क्रिएट करने के लिए हम लोग अभी चलेंगे, और उसके अंदर ये सारी की सारी चीज़ें इंप्लीमेंट करेंगे जो कि आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। ओके तो क्लास को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। मिलती है अगली वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।